हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी आरबीएसई क्लास फिफ्थ की इंग्लिश की सिक्स वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने पांच वर्कशीट सॉल्व कर ली हैं और उनके वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जहाँ लिखा हुआ नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ आप अपना नाम लिख देंगे। मैं नाम लिख रहा हूँ भरत अरोड़ा, और यहाँ पर आप डेट डालेंगे जिस डेट को आप वर्कशीट सोल्व कर रहे हैं। मैं आज सोल्व कर रहा हूँ 27/11/2020। अब हमें यहाँ पे है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एंड बट। तो इन सेंटेंस को आपने एंड या बट से जोड़ना है। तो देखिए, एंड से जब हम किसी चीज में कोई इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं और बट में हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन को बताते हैं, यानी कि एंड से हम किसी चीज को जोड़ते हैं और बट का जो यूज है वो डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट इंफॉर्मेशन को बताने के लिए किया जाता है। जैसा है, ही रन फास्ट, वो तेज दौड़ा बट मिस द ट्रेन, पर फिर भी उसकी ट्रेन जो है वो छूट गई। वो तेज दौड़ा एक इंफॉर्मेशन है और उसकी ट्रेन छूट गई दूसरी इंफॉर्मेशन है। सेकेंड है, आई लाइक टू प्ले, मैं खेलना पसंद करता हूं बट माई फ्रेंड लाइक्स टू स्टडी, पर मेरे दोस्त को पढ़ना पसंद है। ये दो अलग अलग इंफॉर्मेशन है, मुझे खेलना पसंद है बट मेरे दोस्त को पढ़ना पसंद है। नेक्स्ट देखिए, शी इज इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान है, एंड क्लेवर, वो बुद्धिमान और चतुर है। द बस वॉज क्राउडेड, बस में बहुत भीड़ थी बट आई मैनेज्ड टू गेट इन, पर मैं किसी तरीके से बस में घुस गया। वी वेंट टू प्ले ग्राउंड, हम खेल के मैदान पर गए, एंड प्लेड खो खो, और वहां जाकर हमने खो खो खेला। मनीषा कैन रीड इंग्लिश एंड हिंदी, मनीषा हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ सकती है। नेक्स्ट है, ज्वाइन द टू सेंटेंस यूजिंग एंड बट। अब आपको बताना है इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। ही इज पुअर, वह गरीब है बट, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, वो गरीब है पर वो बहुत ही ईमानदार है। माय फादर हैज ए शॉप, He has a farmhouse. देखिए, अब यहां हमें पता चल रहा है कि मेरे पिताजी की एक दुकान है और उनका एक फार्म हाउस है। एक ही इंफॉर्मेशन है, हम यूज करेंगे my father has a shop, मेरे फादर की एक शॉप है, and a farm house, और उनका एक फार्म हाउस भी है। नेक्स्ट है, आई टॉक टू हिम, मैंने उससे बात की, आई टॉक टू हिम बट, अलग इंफॉर्मेशन आई है कि पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बट ही डिड नॉट आंसर, पर उसने जवाब नहीं दिया। मैंने उससे बात की पर उसने जवाब नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई मदर इज ओल्ड, मेरी मम्मी बूढ़ी हैं और वो बहुत एक्टिव हैं, यानी कि माई मदर इज ओल्ड, मेरी माता जी बूढ़ी हैं बट शी इज वेरी एक्टिव, पर वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। नेक्स्ट है, He gave me gifts, he gave me toffees, उसने मुझे gifts दिए, उसने मुझे टॉफियां दी। तो इसको हम एंड से जोड़ेंगे, he gave me gifts and toffees, उसने मुझे gifts भी दिए और टॉफी भी। तो इस तरह से बच्चों हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि वे वर्कशीट को कंप्लीट
कर लें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।